नमस्कार आपण देखते अर्गस अपडेट आपण मुश्मी प्रथम हेडलाइंस। 15 मास पर प्रधानमंत्री प्रथम विदेश गस्त बांग्लादेश स्वाधीनतार सुवर्ण जयंती में जोगदेवे दुई देश मध्य होपे गुरुत्वपूर्ण आलोचना 497 दिन में अन्य देश में पीएम कार्यक्रम। भद्रक बासुदेवपुर में भयावह अग्निकाण्ड जड़े महिला जीवंत दग्ध उचोडिहा गाँव में विलंबित रात लगी निया बार बखरा घर पड़ पाउश निया को आयत्त कर लगी अग्निशम विभाग। बौद्ध कजुरीपड़े सड़क दुर्घटना बस ट्रक मुहांमु धक्का 10 जात्री आहत सेपटे खोर्धा बलांगीर झिंकी निकट में बोलेरो ट्रक मुहांमु धक्का 8 बरजात्री आहत। भद्रक चरंपारे दुई किनर गोष्ठी मध्य मारपीट गोटे गोष्ठी तीन आहत जिला मुख्य चिकित्सालय में भर्ती कार्यानुष्ठान दावे अन्य गोष्ठी किनर थाना आगे धारणा। देश में कोरोना स्पीड में लगुनी ब्रेक 24 घंटे 69,000 पॉजिटिव गोटे दिन में गला 257 जीवन महाराष्ट्र सर्वाधिक 35,000 केस। पिपिली उपनिर्वाचन पर प्रार्थी घोषणा कला बीजेपी आश्रित पटनायक पिपिली पर बीजेपी प्रार्थी बीजेडी कांग्रेस रु आगुआ प्रार्थी घोषणा कला बीजेपी। नूतन कृषि आईन को विरोध आज 12 घंटिया भारत बंद डाकरा देछि कृषि संगठन बंद रही स्कूल कॉलेज घुंचिला परीक्षा। एवं आभ्यंतरण ओडिशार बढ़ ताती विभिन्न जिले में 3-4 डिग्री जाए वृद्धि पाव तापमात्रा 40 डिग्री ऊपर 9 सहर तापमात्रा 28 रु पूर्व ओडिशार झड़ वर्षा संभावना। आजठार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुईदिनिया बांग्लादेश गस्तर जाइछन्ति। सारा विश्व में कोरोना भाइरस संक्रमण हेतु पीएम मोदी 497 दिन पर विदेश गस्तर जाइछन्ति। यहा पूर्वरु से नवेम्बर 2019 ब्राजिल गस्त करथिले। गत एक वर्ष धरी प्रधानमंत्री केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे गुरुत्वपूर्ण इवेंट रे अंशग्रहण करथिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुईदिनिया गस्त समय 5 एमओयू स्वाक्षर होबार संभावना रही। बांग्लादेश स्वाधीनतार 50 वर्ष पूर्ति समारोह तथा यार प्रतिष्ठाता शेख मुजिबुर रहमान जन्म शतवार्षिकी उत्सव में जोगदेवार कार्यक्रम रही। दुईदिनिया गस्त समय प्रधानमंत्री बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रतिनिधि स्तर में आलोचना करेंगे। बांग्लादेश वैदेशिक मंत्री डॉक्टर एके अब्दुल मेमन कहते जे एमओयू संख्या अधिक किंबा कम हो पारे किंतु अति कम रे 5 एमओयू स्वाक्षर होबार संभावना रही। भद्रक बासुदेवपुर उचडिहारे भयावह अग्निकाण्ड अग्निकाण्डरे 4 परिवार 12 बखरा संपूर्ण जळि जायछि। यहा सहित नियारे पड़ि होइ जणे महिला जीवंत दग्ध अछन्ते। विलंबित राति रे ग्रामर सुरेन्द्र बारिकंक घरे हठात कोनोसी कारणरु निया लागि जायथिला। नियार बेग एते तीव्र थिला जे चाहू चाहू 4 परिवार 12 बखरा जळि पड़ि पाउस होइ जायछि। पड़ोसी बाहर को उठिथिबा बेले नियाकु देखि ग्रामवासी को सूचना दैथिले। फलडे डाको सुनि परिवार लोक जीवन विकट बाहर को पलै आसीथिले। हेले भौणी कनकलता बारिक घर भितर बाहरी पारि नथिले फलरे नियारे पड़ी होई तांकर मृत्यु घटिछे। राति 2टा बेले हठात आम देखला बेलू मत बाहर शब्द आसला कौन है उठी आस मो घर उठी आसिक देखला बेलू ये नियाटा जलुच से नियाटा लगुच मानते मुझे बर्तमान मो निजी सेव करने पे सब काढ़ी आनि देखला बेलू जलुच हुड़ी पकेलु पा फाड़ी छाटिकी ये पटा आम सेव कल कि जापरल कौटू निला आसा कौन कला घर भितर गोटे लुकटा रही जाइए घर भर लुकटा रही है पुड़ी मरी जाए तो डेड बेडटा अच्छे दमकलटा 4 घंटा मेरे 2टे निया लगी 4 आसला बासुदेवपुर फोन कलु बासुदेवपुर आसलानी दमकल से स्वर फोन कले स्वर आस दमकल मुँह तो 2टा रात आसिक देखिले जे घर संपूर्ण हुतु हुतु हो जलुचर आम फायर स्टेशन फोन कलु फायर स्टेशन कहले आम 2टा गाड़ी ब्राह्मणी गाँ जा सोरूर गोटे गाड़ी आसचे आपर ग्रामवासी मैंने सब मिलित सहयोग घर सब बाल्टी फाल्टी सब पा सब बहिक सब लिभेंट आती भितर जड़े लोक बाहरी पारा ना कनकलता बारिक से बहुत संग्राम करेषर जीवंत दग्ध हो जाए। भद्रक चरंपा अंचल दुई किनर गोष्ठी मध्य गंडगोल उभयों मध्य मारपीट जो
तीन जन आहत हो मेडिकल भर्ती होती पूर्व शत्रुता को केन्द्र कर उभय गोष्ठी मध्य झगड़ा होता पर झगड़ा उग्र रूप नेबार उभयों मध्य बाड़ी ठेंगे बाड़ाबाड़ी हो रक्ताक्त संघर्ष होता पर टाउन पुलिस पहुंची घटनास्थल पहुंची और बुझासुझा करता कि घटनास्थल में उत्तेजना थवर पुलिस अटकवा को जा कि समय हटाहटा होगा पड़ता पर कि किन्नर को थाना को आनी पुलिस कितु किन्नर मानक पुलिस बाड़ाई अभियोग कर किन्नर बौद्ध जिला सदर थाना 57 नंबर जातीय राजपथ खजुरीपड़ा निकट में सड़क दुर्घटना एक बस ट्रक मुहांमुही धक्का हेबारु 10 यात्री आहत होती सेमानक मधेरु 3 जनक अवस्था गुरुतर रही तिरुपति नामक एक घरोई बस भुवनेश्वर भवानीपाटना जाउथिला विलंबित राति प्राय 3टा समय बस टी 57 नंबर जातीय राजपथ खजुरीपड़ा अतिक्रम करुथिला एहि समय विपरीत दिगरु आसुथिबा ट्रक सह बस रो मुहांमुही धक्का होता खबर पाई पुलिस घटनास्थल पहुंची आहत मानक बौद्ध जिला मुख्य डाक्तरखाना रे भर्ती कर छे। सुवर्णपुर जिला बलांगीर 57 नंबर जातीय राजपथर झिंकी निकट रे सड़क दुर्घटना बरजात्री गाड़ी सह बोलेरो मुहांमुही धक्का हेबा फल 8 बरजात्री आहत होती रहनापाली गांव पटनागड़ को बरजात्री जा एक बोलेरो गाड़ी रे घर को फेरुले भोर समय झिंके निकट में सुवर्णपुर पटर जा एक चाउल बोझे ट्रक सहित मुहांमुही धक्का होता खबर पाई दमकल बाहन घटनास्थल आहत मानक उद्धार कर सुवर्णपुर जिला मुख्य डाक्तरखाना भर्ती करछे तेबे दुई जन बरजात्री अवस्था गुरुतर रही आहत मान चिकित्सा चली आसवा परवर्ती खबर को बेआईन गोचालाण अभियोग 31 गिरफ कटक जिलार नरसिंहपुर आठगुड़ समेत ढेंकानाल जिलार हिंदोल अंचल बेआईन भाव गुरुचालाण अभियोग 31 जन को गिरफ करने कोर्ट चालाण कर पुलिस अभियुक्त मानक 12 पिकअप भ्यान गोटे कार 21 मोबाइल फोन सह 87,530 टंका जबत कर सेपटे विभिन्न पिकअप भ्यान में चालाण कर प्राय 105 गोर को उद्धार कर विश्वस्त सूत्र सूचना पाई बरपाल थाना पक्षर तलमूल अंचल गोचालाणधारी धरने उद्यम करते अभियुक्त माने पुलिस को चकमा दे खसवा को उद्यम करुवा बेले पुलिस समस्त अभियुक्त मान को काबू कर सफल हो गोचर एवं चाष जमीर प्रत्येक दिन शह शह ट्रिप मोरम एवं बांकड़ा पथर चोरा चलाण करुछंती खड़ी माफिया निरवद्रष्टा साजिछि प्रशासन स्थानीय विधायक तथा पर्यटन मंत्री ज्योति प्रकाश पाणिग्राही समेत शासक दल स्थानीय नेता संप्रति में गोचालाण एवं जो भाव में चोरा चलाण चली अभियोग आने स्थानीय बासिंदा चाषी एवं समाजसेवी गोचर एवं चाष जमी प्रत्येक दिन शह शह ट्रिप मोरम ओ मांकड़ा पथर चोरा चलाना करुछंती खणी माफिया किंतु सबु जानिछुनी प्रशासन चुप बालेश्वर जिला खैरा तहसील अधीनस्थ कुपारी गड़पकरी बाउंशगड़िया एवं हरिपुर पंचायत अधीन विभिन्न मौजारे मूल्यवान सरकारी जमीरु खणी खनन करा जाउछि पूर्वरु कुपारी पर्यटन क्षेत्रर मान्यता पाइबा परे एहार उन्नति पाई कोनोसी मांकड़ा पथर खणी नीलाम दिया जाय नथिला एहाको बेखातिर करी खणी माफिया माने बेआईन भावे खणी खनन करी प्रत्येक दिन शह शह गाड़ी मांकड़ा पथर बिक्री करुछंती मोरम माफिया माने स्थानीय लोक प्रतिनिधि तहसील कार्यालय कर्मचारी को हात बारिशी करी एसबू कार्य जारी रखिथिबा अभियोग होईछि खणी माफिया माने दिन दुईपहर रे प्रत्येक दिन पावर टिलर एवं मेसिन साहाज्य रे मांकड़ा एवं मोरम खणी खनन करुछंती कुपारी अंचल नु कुपारी पंचायत गोड़पोखरी बाउंशगड़िया हरिपुर ये चारिटा पंचायत रोची मांकड़ा पथर होची मांकड़ा पथर मोरम ये दुईटा सामग्री जत बळे होची खनन होची सत बळे होची क्षतिग्रस्त होची कृषि क्षेत्र उडा क्षतिग्रस्त होची सरकार शह शह एकर हो जमी अच्छी जो थी हूँ माकड़ा पथर मोरम होगा भाई योग्य उत्तोलन होगा भाई स्थान रही कहीं बालेश्वर जिलापाल एपर्यंत
ताकु टेंडर करूँ सरकारी नीति नियम अनुसार आम प्रश्न करूँ मानने एत संख्य जाऊँ जे जो वायु प्रदूषण हवा द्वारा बा धूलि विभिन्न प्रकार आ सरकारी जमी की हड़प करी विभिन्न प्रकार पथर चोरा चलाण ठार आरंभ कर विभिन्न प्रकार मरम अन्न्य सब चोरा चलाण निर्विघ्न चलती सबू अफसर मान ज्ञातसार चलती यू बर्तमान या द्वारा चाष जमी उजुड़ी जाऊँगी जहाँफल कि ठीक समय चाष एत परिमाण वायु प्रदूषण हो ठीक समय चाषे पा रोना जहाँफल कि चाष अत्यधिक भाव प्रभावित होरब चाषी मैंने बहु परिमाण हईराण हो प्रत्येक दिन कुपारी पंचायत विभिन्न मांकड़ा एवं मोरम खणी शह शह गाड़ी बेआईन भाव विभिन्न स्थान को चोरा चलाण होद्वारा कृषि क्षेत्र गुड़िक क्षतिग्रस्त होंचलें सरकार शह शह एकर जमी अच्छी जो थी मांकड़ा पथर एवं मोरम उत्तोलन स्थान रही कहीं बालेश्वर जिलापाल सरकार नीति नियम अनुसार एपर्तंत टेंडर करूना एवं स्थानीय मंत्री मध्य नीरव द्रष्टा पलटिंट ताकु नहीं प्रश्न उठी एसबु कार्य राति सारा चालू रोते शासक दल एवं स्थानीय राजनेता मानक चापरे स्थानीय प्रशासन नीरव द्रष्टा साजिश दीर्घ दिन धरी बेआईन भाव खणी माफिया मैंने मोरम और मांकड़ा पथर चोरा चालाण कर प्रशासन सब देख नीरव द्रष्टा साजिश प्रत्येक स्थान में देखिए कुपारी अंचल जो एरिया को जाते देखिए ये पथर कटाई सब रही दलाल मैंने चोरा चलाण कर जिलापाल को मध्य जड़ेले कि प्रतिकार करना स्थानीय नेता मैंने गजेन्द्र प्रसाद दास बसंत कुमार विश्वाल अन्य विज्ञ नेता मैंने शिक्षित उच्च संपत्त लोक मैंने जड़ेले बारंबार प्रशासन नीरव रोचे मुझे संपूर्ण भाव में कह ज्योति पाणीग्राही विधायक निश्चित भाव दायी एवं निजर बाहादुरी रहा रात कलाबजारी कर प्रोत्साहन दौरान थाना फरेस्ट सब डिपार्टमेंट नीरव रोचे चोर काम करमें आम जहाँ आम चेष्टा करवाकूली मु नी सारे काली दिन में पांच थर जा राति तीन थर जा सार भाजन जे मुझे सन्दे पलैसले चोरी करें जा पुणी दसटार गले आसे बारटे दीटार गले चारटे आसे का राति सारा सारा अनिद्रा तहसिलदार सर समाधान बाट है जी आम को पुलिस फोर्स दि हाँ गोटे प्लाटून फोर्स दिखते मुझे दिन राति चौबीस घंटा मुझा 100% सियोर मुझे धरे दिखती किसी कर देखा बाकी रहा जिला प्रशासन एति दृष्टि संपृक्त खणी माफिया मानक उपरे केबे कार्यनुष्ठान ग्रहण करछंती बालेश्वर सिमुलियारु मनोज कुमार प्रधान को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। नजर पकाइबा परवर्ती खबर पर देश में कोरोना पुणि थरे काया विस्तार करछि। गत 24 घंटा मध्य देश में आक्रांत संख्या 50,000 अतिक्रम करछि। प्राय पांच मास पर गोटे दिन में देश में कोरोना मामला 50,000 अतिक्रम कर गत 24 घंटा रे सारा देश 53,476 नुआ संक्रमित चिन्हट होती जहाँ चलित बर्षे सर्वाधिक रही। गत वर्ष 23 अक्टोबर में देश में 54,000 अधिक मामला रेकर्ड करपर गत 24 घंटा मध्य 251 जन कोरोना संक्रमित प्राण हर तेज होली पूर्व रेकर्ड कोरोना मामला सरकार का चिंता बढ़ाई देछे। गत वर्ष सेप्टेम्बर एवं अक्टोबर मासरे देशरे कोरोना सर्वोच्च गतिर थिबा बले प्रतिदिन 50,000 अधिक संक्रमित चिन्हट होउथले। एबे पूरी गोटे दिन में 50,000 अधिक मामला सामना को आसिबा परे संक्रमण द्वितीय लहर नहीं आशंका बढ़ी जाइछे। पिपिली उपनिर्वाचन प्रार्थी घोषणा कला बीजेपी। आश्रित पटनायक पिपिली बीजेपी प्रार्थी। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह यह सूचना देते तेरे बीजेडी एवं कांग्रेस पूर्व आगुआ प्रार्थी घोषणा करजेपी। पिपिलीर दिवंगत विधायक प्रदीप महारथी
वियोग परे खाली पड़ा विधानसभा आसन आसंता एप्रिल 17 तारीख में उपनिर्वाचन अनुष्ठित हेबो। एप्रिल 17 तारीख शनिवार सकाळ 7:00 संध्या 6:00 पर्यंत वोट ग्रहण करा जिवो एवं मे 2 तारीख रे फलाफल प्रकाश पाइबो। देखु मु सर्वप्रथमे धन्यवाद देवी मोर नेता भारतवर्षर प्रिय लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेन्द्र मोदी को एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीयुक्त जेपी नड्डा जी को एवं आमर राज्यर सभापति श्रीयुक्त समीर महांति महोदय को एवं संगठन समस्त नेतृत्व को मो पर आस्था प्रकट करी जो उपनिर्वाचन हम पिपिली रे मत आस्था प्रकट करी भारतीय जनता पार्टी एठी नेतृत्व नवापाई भरोसा करथवारु मु तांगो पाखरे कृतज्ञ एवं निश्चित भावरे मु कथा रखुची भारतीय जनता पार्टी डेलांग संयुक्त किसान मोर्चा पक्षर आज 12 घंटिया भारत बंद डाकरा दिया जाय छी। ओडिसा रे बंद को दृष्टि रखी स्कूल एवं कॉलेज को छुट्टी घोषणा करा जाय छी। दिल्ली सीमारे चासी माने जारी रखिथिबा आंदोलन को आज 4 मास पुरछे तथापि समानक समस्या रा समाधान होई पारु नाही एने आज सकाळ 6:00 रु संध्या 6:00 जाय बंद पालन करबा को निष्पत्ति नै छथि। बंद बेले देश रा समस्त सड़क रेल परिवहन समेत दुकान बाजार एवं सर्वसाधारण स्थान बंद रहिबो किंतु जरूरी सेवा गुड़ी को अनुमति मिलिबो। आंबुलांस जिबा आसिबारे केही भी बाधा सृष्टि करिवे नाही बोली मोर्चा पक्षरु कहा जाय छे। तबे संपर्कित अधिक सूचना पई आम सहित बीजेपी नेता शरद सामल आम सहित जोड़े आज्ञा आपंक स्वागत जनाऊँगी आलोचना को जो भाई भाव में जो 12 घंटिया बंद डाकरा दि जाए क्योंटा के कृषि बिल को नहीं और कृषि जो जहाँ जो नुआ बिल आसी से एक प्रकार दृष्टि देखते बारंबार एभली भाव में दाबी करुँचर दाबी एक प्रकार पूरण हो कौन कह दृष्टि देखते मैडम गणतांत्रिक राष्ट्र प्रत्येक व्यक्ति आंदोलन करिवार अधिकार अछि तेनो से आज जो कृषक संगठन एवं ता सहित कांग्रेस एवं 8 वाम दल आंदोलन करिसंति तंको आंदोलन करिवार को नै मोर किछ कहिबार नै कारण गणतांत्रिक प्रक्रिया रे से सब करिया पय तंकर हक अछि। किंतु जतबे आपण प्रश्न पचारछंति कृषि आईन को नै कि मु एथि अत्यंत स्पष्ट भाबरे कृषि आईन को नै मु कहुछि जे कृषक माने हेउछंति ए जातिर अन्नदाता आम समस्त प्राणदाता एवं समग्र मानव जातिर जीवनदाता तेणु से माने केमिति करदाता हेबे नाही सेथिपाय कृषि नुआ कृषि आईन 2020 रे समस्त प्रयास प्रचेष्टा एवं उद्यम भारतीय जनता पार्टी तरफ रु करा जायछि। आउ देखंतु कृषक मानक मनरे कृषि आईन को नै कि जो तीनटा आईन आसीछि से तीनटा आईन को नै कि एक प्रकार मैन्युफैक्चर्ड मिसइनफॉर्मेशन अर्थात विभ्रांतिकर तथ्य विरोधी दल तरफ मन भितर पुरै दिहाई से बुझे दिहाई नुआ कृषि आईन रे मंडी हटि तमर जमी को अंबानी अदानी भली शिल्पपति माने नहीं जीवे एवं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रे तम जमी पड़े जोटा की संपूर्ण एक विभ्रांतिकर तथ्य मुझे अत्यंत स्पष्ट भाव कहवाई चाहूँगी नुआ कृषि आईन 2020 होची काच भली स्पष्ट एवं गंगा जल भली पवित्र एथिरे केबे हेले कोनोसी प्रोविजन नाही जे कृषक मानकर चाष जमी ए देशर शिल्पपति ए देशर पूंजीपति जथा अंबानी आउ अदानी तुंका हाथ को पळेबो किंतु कृषक भाई माने ए कथा न बुझिथिबारु विरोधी दलर चक्रांतरे से माने देखंतु आज कोन स्लोगान दउछंती समग्र देशर कृषक भाई माने स्लोगान दउछंती जान देंगे खून देंगे हमारी जमीन कभी न देंगे मु आपणकर एक कार्यक्रम माध्यम रे प्रधानमंत्रीकर वार्ता कृषक भाई मानक निकटरे परिवेषण करिया पय चाहूची हे देशर कृषक भाई माने आपण जानंती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जतबेले हुए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोन हुए शस्य क्षेत्र रे उत्पादित होथिया शस्य ऊपर हुए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुए नहीं जमी को लेकी
ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପରିବେଶ ଆଡକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଏକ ଅଲଗା ପରିବେଶ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମ ଦଳର ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏଭଳି କ୍ରମ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବରେ ବଢି ଚାଲୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଦେ ଆର୍ ମେକିଂ ଏ ଇସ୍ୟୁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ନନ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ପାରମ୍ପରିକ କୃଷିରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନରେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଭିଜନ ରଖିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ କିଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ଏଭଳି ଏକ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ଦେଶର କୃଷକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ପୁରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ କହିଲି ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କଣ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର୍ଡ ମିସ୍ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଯୋଉଟାକୁ କୃଷକ ଭାଇମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ କହୁଛି ଏ ଦେଶରେ ପାଖାପାଖି 60 କୋଟି କୃଷକ ଅଛନ୍ତି। କୃଷିର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ, କୃଷିର ଉନ୍ନତି ବିନା ସମଗ୍ର ଦେଶର ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇ କୃଷି ଆଇନରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଏହାର ଧ୍ୟେୟ ଏବଂ ଶ୍ରେୟ ହେଉଛି କିଭଳି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଯୋଉଟାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଭିଜନ ରଖିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୁଡିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏଭଳି ଏକ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ କି ଆମେ ବାରମ୍ବାର କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରାଉଣ୍ଡରେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛୁ, ବୁଝାଉଛୁ, ଏବଂ ବହୁ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଏ କଥା ବୁଝିଦେଲେଣି ଯେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଭିଜନ ହେଉଛି ଦେଶ ଭିତରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କିଛି ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି କଣ ହେଇଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏବଂ 8ଟି ବାମ ଦଳର ହାତ ବାରିଶି ସାଜିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ଆଜି କଣ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଉଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ରରୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବ ନେଗୋସିଏସନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଡିସ୍କସନ ଟେବୁଲକୁ ଆସନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଗୋଟେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ଜଣେ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କାହିଁକି 60 କୋଟି ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଯୋଉଥିରେ ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ବ୍ୟାହତ ହବ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଥରେ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ସମଗ୍ର ଦେଶର କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ନୂଆ କୃଷି ଆଇନ 2020କୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ଏବଂ କୌଣସି ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଯଦି ଭୁଲ ଧାରଣା ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ଯେ ବିଭିନ୍ନ ରାଉଣ୍ଡରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୁଡିକର କୁଚକ୍ରାନ୍ତର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିହାତରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାମଲ ଆପଣଙ୍କ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଇଏ ଥିଲେ ବିଜେପି ନେତା ଶରତ ସାମଲ, ଯିଏ ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କି ନୂତନ କୃଷି ଆଇନରେ ସେଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠା କେଉଁଠି ବିରୋଧୀମାନେ କୃଷକମାନଙ୍କର କାନରେ ଏଭଳି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ସମସ୍ତ ରଖିବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ୱେବସାଇଟ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।